हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद, इंतज़ार करने के बाद हमारे यहाँ फाइनली हीरो की एक्सट्रीम 160R आ गई, 4V मॉडल। जी हाँ, हीरो की एक्सट्रीम 160 4V। दोस्तों आज के शुरू में इस 4V के बारे में ही बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को ख़रीद सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रांड न्यू हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि हीरो वाले अभी अपनी बाइकों में काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा अच्छा अपडेट ये लेकर आ रहे हैं, तो आई होप ऐसा चलता रहे और हीरो वाले अब इंडियन मार्केट में स्पोर्ट्स सेगमेंट में खासकर अपना नाम बनाए, क्योंकि भाई नॉर्मल सेगमेंट में इनका नाम है, स्पोर्ट्स सेगमेंट में ये अच्छी तरीके से काम करें तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें एंड आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सकें। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों मतलब बाइक के प्राइस डिटेल्स के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हीरो की एक्सट्रीम जो 160R 4V मॉडल, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली भी ले सकते हैं, एक आप विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली भी ले सकते हैं। जो ब्लूटूथ वाला मॉडल है वो टॉप मॉडल है, जिसमें आपको वो इनका सिल्वर कलर आता है, सॉरी ब्लैक कलर आता है, वो आपको एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,27,300 रुपीज़, 1,27,300 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी ऑन रोड प्राइस फिलहाल मेरे यहाँ नहीं आया है। एक्यूरेट ऑन रोड प्राइस जैसे ही आता है मैं आपको एक बार बताऊँगा इसका, और एक और हो सके तो मैं इसका जो वो कलर है मेन टॉप कलर वो भी, इसका भी रिव्यू मैं इसमें लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं इसके रिव्यू में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इस बाइक में इंजन टाइप में 163.2 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल 4-स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर जो इंजन है हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें इसके मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, ये मैक्सिमम पावर में 16.9 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 14.6 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 160 सेगमेंट में आपको इसमें पावर एंड जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको पता है कि अपनी यामा की जो एफजेड एस है उसमें कितनी कम पावर और कंपनी बढ़ा ही नहीं रही है, और फाइनली हीरो वालों ने 160 एक्सट्रीम में 4V भी दिया और इसकी पावर भी बढ़ाई, तो भैया इस बार जो है परफॉर्मेंस इसकी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली बात है भाई, क्यों नहीं मिलेगी, अब इस बार हीरो वालों ने काम भी अच्छी तरीके से इस बाइक में किया हुआ है। तो ये था दोस्तों इस बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन की पावर। अब डिटेल्स में आते हैं। आपको बताना चाहूँगा इस बाइक पे दोस्तों फ्यूल सिस्टम में FI देखने को मिल रहा है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। बाइक में 6 गियर देखने को मिल रहा है। बाइक अभी भी फिलहाल वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ में आती है, अगर स्लीपर क्लच हो जाता तो आई थिंक ये और भी बेहतर हो सकती थी। बाकी कूलिंग सिस्टम में इसमें अब आपको ऑयल कूलिंग इंजन मिलता है, पहले वाली में एयर कूलिंग आता था सिर्फ, इसमें ऑयल एंड एयर दोनों ही मिलता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में आई है। बोर साइज 66.5 mm की है। स्ट्रोक साइज 47 mm के आसपास की देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि बाइक में आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा सा जो इंजन है वो देखने को मिल रहा है। नो डाउट इस बार इंजन क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और इन्होंने इस बार इंजन में काम अच्छी तरीके से किया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के अब माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बाइक अब आपको मिनिमम 45 से 50 के आसपास का जो माइलेज है इजिली आपको ऑफर कर देती है। डिपेंड करता है फिर आपके राइडिंग स्किल पे, हर किसी के राइड करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, कोई रफ राइड करता है, कोई नॉर्मल राइड करता है, करेक्ट। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसकी जो 0 to 60 है उसमें आपको इस बाइक को लगभग 4.7 सेकेंड लगते हैं, और हीरो का कहना है कि 160 सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। जी हाँ, टॉप स्पीड इसकी आपको 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड हमें इस बाइक में मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में। सबसे पहले इसके सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। फ्रंट में दोस्तों बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी अच्छे सस्पेंशन कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है इस बाइक में। ठीक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अच्छे हैं इसके। साथ में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फ्रंट में इस बाइक में आप लोगों को जो टायर साइज़ मिलते हैं वो MRF के मिलेंगे, सॉरी C8 के टायर है। टायर साइज़ 180 की टायर साइज़ इसमें आती है। और अगर बात करें प्लेट साइज़ के बारे में, यानी कि ब्रेकिंग में,
ब्रेकिंग में आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप लोगों को डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। सॉरी यार, सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आता है, सॉरी इसमें सिंगल चैनल ABS है, ध्यान रखिए। फिलहाल डुअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं है। इसकी जो प्लेट साइज है वो 276 276 mm के आसपास की जो प्लेट साइज है दोस्तों, वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके लाइटिंग्स के बारे में। फ्रंट में सबसे पहले आप फ्रंट लाइट में देख पा रहे हैं, इसकी जो DRL लाइट है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। नो डाउट कंपनी ने जो DRL लाइट दी है दोस्तों इसमें, वो काफ़ी अच्छी दी है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, इसकी जो मेन लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। जी हाँ, मैं यहाँ पे नीचे मतलब थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पे मैंने चार्जर से चालू करके देखा लाइट, तो मैं नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। हो सके तो कभी नाइट में भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो लाइट आपको इसकी काफ़ी अच्छी मिलेगी, DRL लाइट और मेन लाइट दोनों ही लाइट अच्छी है। टनल सिंगल लैप आपको यहाँ पे फुली LED जो है इस बाइक में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, टनल सिंगल लैप भी LED मिलते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर प्रोफाइल में। जो टेल लाइट है वो बाइक में आपको LED देखने को मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी टेल लाइट कंपनी ने दी हुई है। रियर में इस बाइक में 130/70 के टायर साइज आते हैं। रियर में इस बाइक में 220 mm की जो डिस्क प्लेट है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलेंगे। रियर में इस बाइक में जो मोनोसॉक सस्पेंशन है वो कंपनी ने यूज़ किया हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की की आपको बाइक में देखने को मिलती है। स्पीडोमीटर के फीचर्स में आते हैं, देख पा रहे बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर जो है इस बाइक में देखने को मिल जाता है। जी हाँ, फुली डिजिटल मीटर के साथ में ये बाइक आती है। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको सारे फीचर मिलेंगे लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, PBS लाइट, गियर डिस्प्ले, लो फील्ड वार्निंग लाइट, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर एंड लो बैटरी इंडिकेटर, ये सारे फीचर आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। फीचर्स की कोई कमी हमें इस बाइक में नहीं मिलती है। स्विचेस क्वालिटी इस बार हीरो ने बहुत अच्छी दी है। लेफ्ट हैंड साइड में पास इज लो बी मैबिम टर्न सिग्नल लाइट हॉर्न, राइट हैंड साइड में इंजन किल से सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिलेगा। वही दोस्तों देख पा रहे हैं आप इस बाइक के डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। इसकी जो सीट हाइट है वो 795 mm, आपकी हाइट अराउंड 5.2 से ऊपर है तो कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm की, व्हील बेस है 1333 mm का, कर वेट है 144 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर की और ओवरऑल हाइट जो है 1052 mm के आसपास की आपको बाइक में मिलती है। तो ये तो दोस्तों ब्रांड न्यू हीरो की XT160R 4V का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी, और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये बाइक इंडियन मार्केट में काफ़ी चलने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लोग इसे पसंद कर रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ लोग इसे पसंद कर रहे हैं भाई। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगती है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।